तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो सोचा तो मैंने ये था कि जो TLC पेपर व्यू के बाद का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा वो एक धमाकेदार शो होगा, वो काफ़ी एंटरटेनिंग शो होगा, लेकिन हो गया भाई तो एकदम उसके उल्टा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि मैं ये सोच रहा था कि TLC पेपर व्यू के बाद रॉ का काफ़ी अच्छा एपिसोड होगा, लेकिन हो जाता है यहाँ पर शो पर एकदम उल्टा, क्योंकि शो एकदम था बेकार। सिर्फ दो सेगमेंट्स काफ़ी अच्छे थे जिनके कारण मैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को 3 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा, और वो दो सेगमेंट थे रैंडी ऑर्टन एंड एलेक्सा ब्लिस के, दूसरा ड्रू मैकइंटायर द मिस एजे स्टार्स के, वो 6-man टैग टीम एक्शन के, जो कि वो था आज के शो का मेन इवेंट। तो जो मेन चीजें सिर्फ उनको इस वीडियो के अंदर करूंगा कवर, क्योंकि बाकी शो था एकदम कंप्लीट वेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले बात करें WWE टाइटल मैच के सिनेरियो के बारे में जो कि आज शो के ऊपर हुआ क्या। यहां पर द मिस हमें जॉन मॉरिसन के साथ आते हुए नजर आते हैं अपने मिस टीवी के ऊपर, और यहां पर अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं जो कि इस बार द फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स आते हैं, और एजे स्टाइल्स अपने बॉडीगार्ड यानी कि ओमोस के साथ आते हैं। ओमोस और एजे स्टाइल्स दोनों रिंग के अंदर आते हैं, और यहाँ पर मिस कहते हैं मैं तुमसे काफी ज्यादा सॉरी कहना चाहूंगा, मैं तुम्हें अपोलोजाइज करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने तो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस खो दिया जिससे मैं अब एक बार फिर से टाइटल अपॉर्चुनिटी कोई भी गेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम भी उस मैच के अंदर हार गए और अब तुम भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो। एजे स्टाइल्स कहते हैं पहली बात तुम्हें अपनी बकबक बंद रखो, और तुम पे मेरा वैसे ही बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। एजे स्टाइल्स यहाँ पर बताते हैं अगर तुम ना आते तो मैं जरूर से वहां पर WWE चैंपियन बन जाता, तुम आए तुमने सारी चीजें कर दी वहां बेकार, और तुम्हारे कारण ही मैं उस मैच के अंदर हार गया। फिर यहाँ पर मिस काफी इमोशनल हो जाता है और वो काफी चिल्ला के बोलते हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैं जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा था, मैं एक बार फिर से वही चीज करना चाहता था जो कि मैंने 10 साल पहले की थी, यानी कि मैं करना चाहता था कैश इन, मैं एक बार फिर से 2-time चैंपियन बनना चाहता था, और मैं चाहता था कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें जो कि मुझे 15 साल से पिछले WWE के अंदर नहीं मिली है, और उसी रिस्पेक्ट के कारण उसी अटेंशन के कारण मैं एक बार फिर से टाइटल को कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि शायद अगर मेरे पास चैंपियनशिप आ जाती और मैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करके चैंपियन बन जाता तो मुझे फिर से WWE के अंदर इज्जत मिलने लग जाती और मेरे ऊपर अटेंशन आ जाती सभी के सभी फैंस की, क्योंकि फैंस मुझे वैसे देखना नहीं चाहते हैं शो के ऊपर, मैं जबरदस्ती इस शो के ऊपर कर रहा हूं काम। फिर यहां पर एजे स्टाइल्स थोड़ा इमोशनल टाइप के इस वाले सिनेरियो के अंदर शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर ओमोस माइक लेते हैं, जी हाँ ओमोस माइक लेते हैं, और वो कहते हैं गलती मिस तुम्हारी नहीं है बल्कि जॉन मॉरिसन की है, क्योंकि कैश इन तो असली में इसने किया था और पंगे भी इसने हमसे लिए थे, और यहां पर मिस पॉइंट पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं एकदम सही कहा ओमोस तुमने, क्योंकि एक्चुअली में जो चीज हुई थी वो तुम जॉन मॉरिसन ने की थी ना, यानी कि कैश इन जो है वो जॉन मॉरिसन की तरफ से हुआ था, लेकिन जो मिस्टर मनी इन द बैंक है वो तो मैं हूं ना, जॉन मॉरिसन थोड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से मुझे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस वापस मिलना चाहिए, और WWE की जो भी अथॉरिटी है जो भी ऑफिशियल्स है मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि कैश इन जॉन मॉरिसन ने किया, वो बिल्कुल भी मिस्टर मनी इन द बैंक होल्डर नहीं था, होल्डर मैं था, मुझे कैश इन करना था, इसलिए मुझे वापस मेरा मनी इन द बैंक ब्रीफ केस चाहिए। एज स्टाइल्स काफी हैरान होते हैं, वो सोचते हैं कि आप पागलपंती वाली बातें कर रहे हैं। फिर यहां पर जो ओमोस हैं वो जॉन मॉरिसन से अपना बदला लेने चलते हैं, लेकिन वहां से फिर ड्रू मैकइंटायर कीथ ली एंड शेमस आ जाते हैं, और यहां पर वो बताते हैं एक नाइटमेयर वाली कहानी जो कि TLC पेपर व्यू के बाद है, मिज अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ के हार चुके, एजे स्टार्स के पास भी चैंपियनशिप नहीं आ पाई, और वो भी TLC पेपर व्यू के अंदर कुछ कर नहीं पाया। फिर यहां पर थोड़ा बहुत ब्रॉल होता है इन 6 के 6 सुपर स्टार्स के बीच, और होता कि इस ब्रॉल के एंडिंग के अंदर जब तीनों सुपर स्टार्स डाउन होते हैं यानी कि जॉन मॉरिसन द मिज एंड यहां पर एजे स्टार्स, अचानक से शेमस ब्रोकिक लगाने चलते हैं यहां पर जॉन मॉरिसन को, लेकिन होता कि एजे स्टार्स कीथली को एक ड्रॉप किक लगाते हैं अचानक से उठ के, और वो जो कीथली है सीधा शेमस से जाके लड़ते हैं, और शेमस को ऐसे लगता है कि जान मुझके कीथली ने मुझे धक्का दिया ताकि मैं जॉन मॉरिसन को ब्रोक किक ना दे पाऊं। यहां थोड़ी बहुत लड़ाई शुरू हो जाती है कीथली और शेमस के बीच, लेकिन ड्रू मैकइंटायर इस लड़ाई को सुलझाते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहां पर 6-man टैग टीम एक्शन होता है, जहां पर हमें शेमस कीथली एंड ड्रू मैकइंटायर फेस करते हुए नजर आते हैं जॉन मॉरिसन मिज एंड द फेनोमिनल वन एजे स्टार्स का। ये टैग टीम एक्शन काफी बेहतरीन जाता है और जरूर से मेन इवेंट था, थोड़ा बहुत देखने में मजा भी आया इस वाले मैच को। ये कुछ स्ट्रीट फाइट टाइप करके था, यानी कि हैप्पी हॉलीडे स्ट्रीट फाइट करके, थोड़ा बहुत जो टेबल्स वगैरह रिंग साइड पर हैं, केक वगैरह रिंग साइड पर, वो सब भी यूज होते हैं इस मैच के अंदर। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि लगातार टैग हो जाता है, पहले ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर लगाने चलते हैं इस मैच को खत्म करने के लिए, शेमस टैग कर लेते हैं, शेमस ब्रोक किक लगाने चलते हैं, कीथली टैग कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से सिनेरियो होता है रॉ के एपिसोड में। लेकिन कीथली आखिर में स्पिरिट पावर बॉम्ब लगाते हैं और इस मैच के अंदर जीतते हुए हमें नजर आते हैं, और जो ओमोस है वो अपना बदला ले लेते हैं, क्योंकि जॉन मॉरिसन जो सीधा ओमोस की गोदी में जाके गिरते हैं, और जो गोदी में जैसे वो गिरते हैं तुरंत जो ओमोस है
जॉन मॉरिसन को ऊपर हवा में उठाते हैं और उन्हें टेबल के ऊपर या फिर टेबल के आर पार कर देते हैं। फिर जैसे ही ये लोग मैच जीते हैं यहाँ पर विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन शेमस से लगाते हैं ब्रोक के कीथ ली को और यहाँ पर अपना बदला ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सही में कीथ ली ने उन्हें दिया था उस टाइम धक्का। और ड्रू मैकइंटायर कहते हैं तुमने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, मैंने कहा था कीथ ली हमारी तरफ है वो हमारी साइड, लेकिन तुमने फिर भी उस पर हमला किया। और जो रॉक एपिसोड है वो इस तरीके से ही हो जाता है खत्म। लेकिन इसके अलावा शो के ऊपर एक और काफी अच्छा सेगमेंट होता है जिसके कारण मैंने शो को 3 स्टार रेटिंग दी है और ये सेगमेंट था द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन एंड अलेक्सा ब्लिस का। होता है कि रैंडी ऑर्टन स्लो मोशन में काफी हंसते हुए रिंग के अंदर आते हैं, वो रिंग के बीचों बीच आके माइक लेते हैं। वो कहते हैं जो मैंने कल रात को चीज की वो एक बार फिर से मुझे साबित कर देती, मैं क्यों एपिक्स प्रेडिटर, मैं क्यों लेजेंड किलर कहलाता हूँ WWE के अंदर। और मुझे काफी सारे निकनेम्स दिए गए थे पिछली लेगेसी के दौरान, जैसे कि मेरे काफी सारे नाम है, एपिक्स प्रेडिटर हो गया, लेजेंड किलर हो गया, वाइपर हो गया, कुछ नाम है जो कि मुझे दिए गए हैं और उसका एक रीजन है तभी मैं एक काफी खतरनाक इंसान हूँ। फिर वो बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने पूरे तरीके से फीन को जला के रख दिया, उन्होंने फीन को खत्म कर दिया और फीन एक बार फिर से वापस नहीं आने वाला। काफी लोग इमोशनल हो गए थे और लोगों को ये लगा था कि मैंने इतनी क्रुएलिटी कैसे दिखा दी रिंग के बीचों बीच। तो मैं उन लोगों को ये बात बता दूं कि मैंने एक एक सेकंड एंजॉय किया था रिंग के बीचों बीच जब मैं फीन को जला रहा था रिंग के बीचों बीच में, और अब फीन कभी भी वापस नहीं आने वाला है। और रैंडी ऑर्टन यहाँ पर काफी हंसते होते हैं और अचानक से जो फीन का आने वाला कह सकते हैं पूरा सिनेरियो शुरू हो जाता है, लाइट्स बंद होने लग जाती है, थंडर डोम बंद होने लग जाता है और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन सोचते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर से थोड़ी आ सकता है। और रैंडी ऑर्टन यहाँ से कर जाते हैं रिंग एस्केप और अचानक से जैसे वो रिंग एस्केप करते हैं थोड़ी देर फीन का जो अजीब सी ट्यून है वो बजती है और रिंग के बीचों बीच अलेक्सा ब्लिस आ जाती हैं और अब एक झूला झूलती होती हैं। अलेक्सा ब्लिस कहती है क्या रैंडी ऑर्टन तुम किसी और बंदे को एक्सपेक्ट कर रहे थे रिंग के बीचों बीच, और वो यहाँ पर हंसती काफ़ी खतरनाक लगती है वैसे अलेक्सा ब्लिस इस रूप में। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन धीरे धीरे करके रिंग के अंदर जाते हैं, अलेक्सा ब्लिस कहती हैं रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आ जाओ हम लोग आराम से खेलते हैं। और तुम ये सोच रहे कि फीन का है मैं अकेली यहाँ क्यों आई हूँ, तो फीन काफ़ी गंदा लग रहा था देखने में इसलिए थोड़ा सैलून वगैरह गए, हो सकता है वो रास्ते में बारबेक्यू वगैरह खा वगैरह के आए और हो सकता है वो आज ना आए, लेकिन अगर मैं बुला सकती हूँ हो सकता है वो तुरंत यहाँ पर आ जाए। तो कुछ इस तरीके से धमकी वगैरह देती हैं वो रैंडी ऑर्टन को और रैंडी ऑर्टन कहती हैं आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं और वो सामने सामने खड़े हो जाती हैं रैंडी ऑर्टन के, और ये वाला सेगमेंट यहीं पर हो जाता है खत्म। तो ओवरऑल ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा था, जो रॉ का मेन इवेंट था, जो रॉ में WWE टाइटल मैच का सिनेरियो था वो काफ़ी बेहतरीन था, इसलिए मैं आज के शो को 3 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकी जो मैचेस है शो के ऊपर वो चेकआउट कर सकते हो क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला नहीं हूँ, वैसे मेरा पूरा 3 घंटे जाके दिमाग खराब होगा। चलो ये 2 सेगमेंट्स हुए वरना मैं सो ही जाता बीचों बीच में। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना, ये मेरा रिव्यू था, जरूरी नहीं आपको भी ऐसे बेकार लगे रॉक एपिसोड, हो सकता है आप लोग को अच्छा लगे रॉक एपिसोड, अलग बंदे का अलग अलग ओपिनियन होता है। बस ये मेरा ओपिनियन था कि मुझे सिर्फ 2 सेगमेंट पसंद है, बाकी रॉक एपिसोड पूरा वेस्ट था। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।